बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक रिव्यू आपको दे रहा हूँ। होंडा CG125 है, ये देख लीजिए 125 मोटरसाइकिल, एक दोस्त का है। मॉडल है 1995 का, पुरानी मॉडल की मोटरसाइकिल है, देख लीजिए। बहुत पुरानी भी नहीं है, बहुत नई भी नहीं है, कंडीशन भी गुजारा है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं। आपको कंडीशन में सब दिखा देता हूँ। जो पुरानी मोटरसाइकिल ख़रीदने के शौकीन है, यह है CDI के अंदर, अच्छी मोटरसाइकिल है, चलने वाली मोटरसाइकिल। बस ये कि थोड़ा सा केयरलेस यूज़र हैं, तो थोड़ा सा केयर नहीं की, वो देखें वो थोड़ा सा रस्ट वस्ट लगा हुआ है, यहाँ पहिए के ऊपर थोड़ा तेल वेल गिरा हुआ है, तेल शेल थोड़ा सा मामूली सा लीक कर रहा है। वो बहरहाल वो छोटे छोटे मसले मसाले इसके साथ हैं। इंजन को देखें, इंजन को कलर नहीं किया हुआ, ये कलर शलर मांगता है, ये वो मसले मसाले ना। अच्छा, उसके बाद फिर देखें टंकी टापे इसके, देखें गुजारा है। टंकी तब्दील अलबत्ता हुई है, इतनी पुरानी मॉडल की मोटरसाइकिल की टंकियाँ तब्दील हो जाती हैं, वो आम बात है। शक ऑब्जर्वर भी गुजारा है, देख सकते हैं। मोटरसाइकिल की केयर बहरहाल बिल्कुल नहीं की गई, इस वजह से थोड़ा सा आपको ऐसे वो ख़राब सा नज़र आ रहा है। सीट कवर देख लें, थोड़ा सा फटा हुआ है। यहाँ हैंडल देखें, ये हैंडल के ऊपर भी कुछ सामान सामान खरीदने वाला है, इसके अंदर लगाने वाला है। अच्छा, उसके बाद फिर ये यहाँ से मीटर देखें, मीटर भी थोड़ा सा टूटा हुआ है, और ये यहाँ से इन्होंने तार से बांधा हुआ है। मीटर भी बहरहाल तब्दीली मांगता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हेडलाइट भी गुजारा है, ठीक ठाक है, नॉट बैड। अच्छा, इशारे विशारे इसके सारे ख़राब हैं, वायरिंग इसकी ख़राब है। अलबत्ता स्टार्ट होती है, चलती है, बहुत अच्छी बाइक है, चलने में बहुत ठीक है। लेकिन बस यही है कि आपको थोड़ा थोड़ा काम इसमें ज़रूर करना पड़ेगा। कागज़ इसके बिल्कुल पूरे हैं अलबत्ता, और लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। कीमत की बात इस वीडियो में करेंगे, बहुत मुनासिब कीमत मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल, चलने वाली देरपा मोटरसाइकिल। 125 की जो असली पिक होती है, आवाज़ होती है, दौड़ होती है, वो इसमें है, सब कुछ ठीक ठाक है। किक देखें, इसका किक स्टार्टर देखें, थोड़ा सा ये इंजन के ऊपर तेल शेल लगा हुआ है। बहरहाल ये सफाई सफाई से हो जाता है, केयरलेस यूज़र है, आपको मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ, तो वो थोड़ी सफाई सफाई का ख्याल नहीं रखते, बस इस्तेमाल करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। हारन शारन भी इसका बचता है, बाकी छोटा मोटा इसमें है काम, तो वो आपको करना पड़ेगा। हेडलाइट अलबत्ता इसकी चलती हुई है, और ये देख लीजिए इसका पीछे का जो लाइट है वो भी ठीक है। और नंबर को हमने थोड़ा सा हाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। साइलेंसर इसका बस गुजारा है, बिल्कुल नया भी नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है। साइलेंसर चेंज हुआ है अलबत्ता, लेकिन बस ये है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। जो शौकीन हजरात हैं वो इसको ठीक कर देते हैं, व्हील शील ये वो आप मसला देख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे काम ज़रूर हैं, और बस ये है कि मोटरसाइकिल अगर तैयार हो जाएगी तो बहुत ही शानदार किस्म की मोटरसाइकिल बनेगी, जिस दोस्त की भी नसीब में हुई। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये रिव्यू ये 125 का अच्छा लगा होगा। आखिर में हम आपके साथ कीमत की बात करते हैं। मेरे दोस्त जो हैं वो 22,000 रुपये इसके मांग रहे हैं, 22,000 रुपये इसका फ़ाइनल नहीं है। अलबत्ता आपको हम प्यार मोहब्बत इसमें अलबत्ता ज़रूर करवा लेंगे। पंजाब रजिस्टर्ड नंबर है, मोटरसाइकिल की लोकेशन लाहौर की है। बहरहाल अगर किसी दोस्त को चाहिए होगी तो हम पूरे मुल्क में इसकी डिलीवरी करवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद। बस जिस दोस्त को भी चाहिए होगी, थोड़ा सी पेमेंट करके हमसे आप कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। ये है कि हमें पता लगे डिलीवरी, आपको थोड़ी सी पेमेंट इसलिए हम मांग रहे हैं कि वो ये हो कि ये जो कस्टमर है वो सीरियस बायर हो, ऐसा ना हो कि हम मोटरसाइकिल भेज दें और आखिर में इनकार कर दें कि मुझे नहीं चाहिए। यही बात नहीं होनी चाहिए। मोटरसाइकिल बहरहाल जिसको भी पसंद आए वो ख़रीद ले, हम इसको जिस बायर ने अगर पसंद की तो हम आपके साथ व्हाट्सएप पर रब्ता ज़रूर करेंगे। हम आपको दिखाएंगे इसकी वीडियोज़, दिखाएंगे इसकी आवाज़ शवाज़ सब कुछ, उसकी वीडियोज़ दिखाएंगे। लेकिन आम बायर के लिए चूँकि ये चीज़ें नहीं होती, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, तो आवाज़ का यहाँ पर आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। और जो बायर यहाँ पर आके ख़रीदना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हम आपको हाथों हाथ भी बेच सकते हैं। अलबत्ता अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे ख़रीदेंगे तो बिल्टी का खर्चा आपको ज़रूर पड़ेगा, वो थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता, वो चंद हज़ार रुपये बिल्टी का खर्चा आता है इसके ऊपर, 2-3 हज़ार रुपये आ जाएगा आपका, वो अलबत्ता आपको पड़ जाएगा। हो सकता है कि मालिक अगर वो खुद बर्दाश्त कर ले तो हो सकता है कि वो भी आपको ना पड़े। तो दोस्तों, ये बाइक थी जिसको मैंने आपको दिखा दिया, 125 CG125। तो जिसको भी चाहिए हो हमें इनबॉक्स कीजिए, हमें लिखिए। उम्मीद करते हैं कि जिस भी दोस्त के नसीब में आएगी, बहुत ही अच्छी चीज़ नसीब में आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया थम्स अप ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, आल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसे ऑफर से फ़ायदा उठाते रहें और ऐसी प्यारी प्यारी रिव्यूज़ आपको मिलती रहें और ऐसे ऑफर से आप फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।